Welcome to Time News Studios. You are watching 1 p.m. Bulletin. सिंध हाई कोर्ट सखर कुत्तन के डाण वारन वाक्यन ते पंज एमपीएस के मौतल करण जो इशारो दई छड्यो। कुत्तन के डाण वारन वाक्यन बाबत केस ते बुधणी दौरान एडिशनल एडवोकेट तरफा पेश कल रिपोर्ट रद्द। अदालत कावड़ जो इजहार कंदे चयो आहे त वाक्यन ते लाड़काणो, खैरपुर, ज्ञामशोरो ऐं रतोदेरो जे एमपीएस जी रुकनियत मौतल कंदासीं। एमपीएस जी ज़िमेवारी आहे त माण्हुनि जो तहफ़ुज़ कनि। छा एमपीएस खे उन लाइ वोट मिलंदा आहिनि त कराची वञी वेही रहनि? ग़रीबनि जे ॿारनि खे कुता ॾाड़े रहिया आहिनि पर खेनि को बि अहसासु नाहे। जस्टिस आफ़ताब गोरड़ रिमार्क्स ॾींदे चयो त कुते जे ॾाण सबबु हिकु ॿारड़ी जी हिकु अखु ज़ाया थी वई। छा उन जी अखु वापसि अची सघे थी? एडिशनल एडवोकेट जनरल जो चवण हो त एमपीएस जो कम कुत्ता मारण न कानून साज़ी करण आहे। अदालत चयो त गुज़िरियल 15 सालनि में कहिड़ी कानून साज़ी थी? कुते ॾाण जा वाक़िया रोकण कंहिंजी ज़िमेवारी आहे? सिंध हाई कोर्ट इज़ाफ़ी चार्ज रखंदड़ ऐं ओ पी एस ते मुक़रर ऑफिसर्स खे हटाइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। हिकु हफ़्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। अदालत पंहिंजे रिमार्क्स में चयो आहे त असांखे सुप्रीम कोर्ट जे हुकमनि ते अमल कराइणो आहे। हुकुम ते अमल दरामद न थियो त चीफ सेक्रेटरी सिंध खे तलब कंदासीं। अदालत में पेश कयल रिपोर्ट में मुख़्तलिफ़ खातनि में 825 ऑफिसर्स खे ॿ उहिदा मिलण जो इंकशाफ़। जिते चंद नामालूम जेके ॾुहारी हुया उन्हनि सां टकराव थी वियो। जवाबी कारी में हिकु नामालूम ॾुहारी हुयो, उहो मारिजी वियो। बाद में जेका उन शिनाख़्त थी उहा इरफान जतोई जे तौरु, फरोख जतोई तौरु शिनाख़्त थी। शालतिक टाउन ऐं एस एस टी जे तरफ़ां रिपोर्ट आई आहे, जेका रिपोर्ट में वाज़े ॿुधायो आहे त खंभे करे खणी विया हुया यूनिवर्सिटीअ मां लावास ॼाणाए क़तल कयो आहे। एस एस पी सखर इरफान समूह जा इल्ज़ाम ऐं मुक़ाबले जूं दावाऊं रद्द। पुलिस शागिर्द इरफान जतोई खे सिंध यूनिवर्सिटी मां खंभण बाद जुड़ितो मुक़ाबले में मारण जो एतिराफ़ु करे वरितो। मलीर जे शाह लतीफ़ टाउन थाणे जे एस एच ओ इरफान जतोई केस बाबति रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश करे छॾी। ॿुधणी दौरान एस एच ओ शाह लतीफ़ टाउन अदालत खे आगाह कयो त इरफान जतोई खे मलीर मां न खंभियो वियो हो। केस ॼाम शोरो मां खंभण बाद रोहिणी में मुक़ाबिलो ॼाणाए मारियो वियो। अदालत पुछो त पुलिस मुक़ाबले में मुलविस अहलकारनि ख़िलाफ़ु कहिड़ी कार्रवाई कई पई वञे। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील चयो त जुड़तू पुलिस मुक़ाबले में मुलविस अहलकारनि ख़िलाफ़ु अञा ताईं का कार्रवाई नाहे थी। सिंध हाई कोर्ट इरफान जतवी जे क़तल बाबति जाच जी अघु भराई रिपोर्ट तलब करे वरिती। सिंध काबीना कोरोना वैक्सीन लाइ निजी अस्पतालुनि ऐं लेब्स जी इंगेज करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। इजलास में चयो वियो आहे त हेल्थ खाते खे हेल ताईं वैक्सीन जा 241,000 डोज़ मिली चुका आहिनि। सिंध हेल्थ कमीशन खे वैक्सीन जे अघनि खे कंट्रोल रखण जी हिदायत। सिंध काबीना ज़कात खाते जी इंतिज़ामिया लाइ 21,000 सीसी कारूं ख़रीद करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ज़कात खाते खे पुराणियूं गाॾियूं एस एन जी डी ए जी ए डी खाते खे वापसि करण जी बि हिदायत। इजलास में अमन हेल्थ केयर सर्विस खे 300 मिलियन ग्रांट ॾियण जी मंज़ूरी। सिंध काबीना रूट परमिट फीस ते नज़रसानी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नयन गुड्स गाॾियुनि जे सालियानो रूट परमिट फीस 2400 रुपया हूंदी। ट्रक ऐं ट्रॉलनि जी रूट परमिट फीस 2000 रुपया मुक़ररु। असेंबली मेंबर्स खे फंड जारी करण ते वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ दरख़्वास्त न ॿुधण जोगी करार। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी जी दरख़्वास्त ख़ारिज करे छॾी। नैयर बुख़ारी जी दरख़्वास्त ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो जारी। इलेक्शन कमीशन में बलूचिस्तान जे मेंबर जो चवणु आहे त इख़लाक़ी ज़ाब्ते में वज़ीर आज़म न रुगो सदर ऐं गवर्नर्स जो ज़िक्र आहे। दरख़्वास्त में नैयर बुख़ारी इल्ज़ाम हयो त वज़ीर आज़म सेनेट चूंडुनि जो शेड्यूल जारी थियण बाद असेंबली मेंबर्स सां मुलाक़ात कई ऐं खेनि फंड्स ॾिना। परदेही फंडिंग केस में पीटीआई चेयरमैन ऐं स्क्रूटनी कमेटी खे नोटिसिस जारी। इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड बाद
बाबति दरख्वास्त ते ॿुधणी दौरान अकबर एस बाबर जे वकील पारां दलील पेश। कमीशन दरख्वास्त ते ॿुधणी 22 मार्च ताईं मुलतवी करे छॾी। अकबर एस बाबर इल्ज़ाम आयो आहे त पीटीआई जा 23 ॻुझा अकाउंट्स आहिनि। उहे अकाउंट्स वज़ीर आज़म ऐं संदसि माण्हू ऑपरेट कनि था। स्क्रूटनी कमेटी मञियो हो त मथनि दॿाउ आहे, तंहिं करे रिकॉर्ड न पियो ॾिनो वञे। लॉन्ग मार्च सां गॾु असेंबलीस तां इस्तीफ़ा ॾियूं या न, पीडीएम जो अहम सरबराही इजलास अॼु थी रहियो आहे। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो चवणु आहे त नवाज़ लीग सम्झे थी त इस्तीफ़ाउनि खां सवाइ मार्च ऐं धरणे जा नतीजा नथा मिली सघनि। हुकूमत सेनेट इलेक्शन चोरी करण जी कोशिश कई, हाणे अदालतुनि जा चकर लॻंदा ऐं अदालतूं ई फ़ैसिलो कंदियूं। हुकूमत हफ़ीज़ शेख जी शिकस्त जो बार इलेक्शन कमीशन ते विझणु घुरे थी। वफ़ाक़ी काबीना शिकस्त तस्लीम करण बदिरां इलेक्शन कमीशन ते हमिलो कयो। परदेही फंडिंग केस ते फ़ैसिलो आयो त हुकूमत हिकु ॾींहुं बि न रहंदी। जंहिं माण्हू जी निगरानी में सेनेट अंदरि ॻुझूं कैमराज़ लॻायूं वयूं, उहो ई धांधली ज़रिए ॿीहर चेयरमैन सेनेट थी वियो। पीपल्स पार्टी चई चुकी आहे त पार्लियामेंट जो फोरम न छॾणु घुरिजे। पार्लियामेंट जो फोरम छॾणु ग़लति हूंदो। पीपी अॻवान सलीम मांडीवाला जो असेंबलीस तां इस्तीफ़ाउनि बाबति सवाल जो जवाब। सलीम मांडीवाला जो चवणु आहे त इलेक्शन कमीशन जी पोज़ीशन सां हुकूमत वाइड़ाइप जो शिकार थी वई। इलेक्शन कमीशन खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो दुरुस्त नाहे। ख़बर नाहे त मुज़फ़र शाह यूसुफ रज़ा गिलानी जा 7 वोट छो रद कया। इस्लामाबाद जी एहतसाब अदालत किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मांडीवाला ऐं ॿियनि ते फर्द जुर्म लागू करण जी कार्रवाई 8 अप्रैल ताईं मुलतवी करे छॾी। पाकिस्तानी हुकूमत चीन खां कोरोना वैक्सीन जी पहिरीं ख़रीदारी करे वरिती। मुआहिदे तहत साइनोफॉर्म जी 5 लख डोज जी पहिरीं खेप अॼु पाकिस्तान पहुचंदी। हुकूमत जूं चीनी कंपनी कैन साइनो बायो सां बि वैक्सीन जी ख़रीदारी लाइ ॻाल्हियूं जारी। पाकिस्तान में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ऐं बुज़ुर्ग शहरनि खे साइनोफॉर्म वैक्सीन ॾिनी पई वञे। कराची में बम धमाके जे नतीजे में शहीद थियल रेंजर्स अहलकार जी ठारू शाह में फ़ौजी एज़ाज़ ऐं सलामी सां तदफ़ीन। शहीद रोशन अली सोलंगी जी जनाज़ नमाज़ में पुलिस ऐं रेंजर्स अहलकारनि सूदो। वॾे अंग में शहरनि जी शिरकत। कराची जे इलाइक़े औरंगी टाउन में रेंजर्स ते बम हमले जे नतीजे में ठारू शाह वासी हवलदार रोशन सोलंगी शहीद थी वियो हो। कराची में CTD थाणे ते रेंजर्स मथां हमले जो केस दाख़िल। केस में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त CCTV फुटेज ज़रिए दहशतगर्दनि जी सुञाणप थी वई। शुरूआती जांच मूजिबि वारदात में चोरी जी मोटरसाइकिल इस्तेमालु कई वई। मोटरसाइकिल जे मालिक चोरीअ जो केस बि दाख़िल करायो। दरगाह भिड़चूंडी जी इंतिज़ामिया अख़वाबाद मज़हब तब्दील कयल नारी कविता ओड खे पुलिस हवाले करे छॾियो। ज़रीन जो चवणु आहे त तंगवाणी पुलिस कविता ओड खे पाण सां गॾु वठी वई। कविता ओड खे बयान रिकॉर्ड करण लाइ अदालत में पेश कयो। हैदराबाद जे